हाय गाइस, मनोर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और हम आप सबके साथ न्यू ब्लॉग शेयर कर रहे हैं। और न्यू ब्लॉग हो रहा है आज दोपहर से स्टार्ट, सुबह से न्यू आए। और गाइस, तो मैंने जो ड्रेस लेके आई थी वो ड्रेस के बारे में बात कर रही थी। एक दीदी है, उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए थी। दीदी भैया जो भी है मुझे नहीं पता, जितेंद्र नाम से, पता नहीं किस नाम से है। तो इतनी सारी कमेंट्स की थी कि इसकी प्राइस बता दो, इसकी प्राइस बता दो, कि ये लुगड़ी कितने की है, लहंगा कितने का है, लुगड़ी कितने की है। तो गाइस, मैं लुगड़ी तो दिख ही रही है आप सबको कि ये लुगड़ी है जो जरी की कढ़ाई वाली है, देसी कढ़ाई बोलते हैं उसको। तो और रही बात लहंगे की, तो ये लहंगा कैसा है, मतलब कितने का है। तो लहंगा है यूनिकॉर्न, जो यूनिकॉर्न का कपड़ा आता है आप सब जानते हो, यूनिकॉर्न का कपड़ा जो अच्छा होता है, तो उसका तो लहंगा है मतलब 8 पैना बोलते हैं, और जो 7 मीटर का होता है। तो गाइस, ये लहंगा है 900 रुपये का, मतलब जो हम लेके आए हैं वो रेट बता रही हूँ मैं कि 900 रुपये का दिया। बताना आप गाइस, हम महंगा लेके आए हैं या फिर सही लेके आए हैं, तो वो आपको बताना है। और गाइस, लुगड़ी है, मैंने इससे पहले जो लुगड़ी ली थी रेड वाली, मैं उड़ती हूँ जरी कढ़ाई वाली लुगड़ी, वो लुगड़ी थी 1400 रुपये की दी थी अंकल ने उस टाइम। और अब जो दिए हैं, अब दिए हैं वो दिए हैं मतलब 1100 की बोली थी, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, तब 1050 की दी थी, 1050 की दे दी थी। और कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी हो तो आप ले सकते हो। मैंने ये कहाँ से ली है तो मैं ये भी बता देती हूँ आप सबको कि मैंने ये, तो गाइस मैंने ये ली है राजगढ़ से, जो आप सब जानते होंगे राजगढ़ में सरदार जी बोलते हैं, सरदार जी बहुत फेमस हैं, गुड्डू सरदार के नाम से उनकी शॉप, तो वहाँ से ली है, तो आप सब भी ले सकते हो। तो मैंने आपको पहन के बता दिया कैसा लग रहा है, वैसे भी शादी के लिए लेके आई हूँ बहुत दिन पहनूंगी। तो और वो जो पिंक जो मतलब सॉरी जो येलो वाली है, येलो वाली भी की प्राइस यही है 1050। तो सब की दोनों की रेट सेम है, और राजगढ़ से लिए तो आप सब ले सकते हो, वहाँ से इतने की मिलेगी। और सस्ती भी, इससे कम वाली भी है, 900 रुपये वाली भी है मतलब, पर उसमें पता नहीं क्या फ़र्क होता है, तो वो बोलते हैं कि ये अच्छी नहीं होती, मतलब नहीं कह गया बोल देते हैं। पर हमने बोला था कि जो अच्छी है वही दिखाओ हमें, और फ़र्क भी है। ये कुछ 450 कुछ फूलों की है, कुछ फूलों का अंतर होता है पता नहीं, और उसमें कम फूल होते हैं, 350-350 होते हैं, इसमें 400 से ज़्यादा होते हैं, 450 ऐसा कुछ होता है पता नहीं। तो गाइस, बनी रहिए ब्लॉग में एंड तक, और तो आप सबके साथ और भी चीज़ शेयर करने वाले हैं, तो एंड तक ज़रूर देखना ब्लॉग को। और शादी है मेरे ससुराल में, चलो देखो मेरे को ससुराल में जो मतलब शादी है, तो स्पेशली कार्ड देखे गए हैं कि चाची जी का नाम लिखे गए हैं। तो ऐसे मेरा रियल नेम मनीषा है, मैं मनु घर पे बोलते हैं, और मनु को नहीं, तो मेरा रियल नेम मनीषा है, फुल नेम मतलब डॉक्यूमेंट्स नेम। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको शादी का कार्ड, ठीक है। तो गाइस, ये रहा शादी का कार्ड। तो गाइस, मेरे जो ससुराल में शादी है ये उसका कार्ड है, और एक और कार्ड है वो मैं बता देती हूँ आपको, उसमें भी जाना है, उसमें भी जाना है। एक और शादी, एक और कार्ड है शादी का, एक कार्ड ये तो है मेरी शादी मतलब मेरे ससुराल वालों का, है ना, जिसमें देखो मनीषा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि सेल्फी कैमरे से वीडियो बन रहा है इस वजह से। तो गाइस, और देखो मुझे वीरजी ने गुलाब दिया था, वो कैसा हो गया, खास कुछ किया नहीं क्योंकि बाहर जाने की तो हालत है नहीं, और तो बस रोज़ देख के ही वैलेंटाइन बना लिया है। तो गाइस, मेरा वीडियो तो वैसे भी ऐसे आज वैलेंटाइन वाले दिन आज थोड़ा झगड़ा हो गया था, कोई नहीं, चलो होता करता रहता छोटा मोटा। तो गाइस, और देखो गाइस, मैं अपनी जांच करवा के आई थी ना, जांच करवा के आई थी, तो वहाँ पे जो ब्लड लेते हैं, तो देखो ये ब्लड देखो ये कैसे मतलब है ना, अब तो ये मिट गया है, अब तो ये ख़त्म हो गया है ना, नहीं तो उसको पता ही नहीं कि कैसे ब्लड लेना है। मेरा तो दर्द नहीं होता इतनी बार लिखा गया है, पर इसने इस तरीके से लिया था इस लड़की ने अब की बार, तो मेरे देखो पूरा हाथ नीला नीला पड़ गया था, ऐसे ऐसे नीला पड़ गया था। और गाइस, ये भी कैसा लग रहा है मेरा, मैं आपकी बार ये लेके आई हूँ, मेरे को गोल्ड वाला नहीं पहना, मेरे को ये वाला पहना है लंबा लंबा, थोड़ा अच्छा लगता है।
कैसा लग रहा है ये भी आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, ठीक है। तो और गाइस एक और कार्ड दिखाती हूँ, उसमें मुझे 15 तारीख को जाना है, अभी जाना है मतलब 15 को, शादी तो 21 को है, ये शादी 21 तारीख को है और अभी 15 को भी है जो है कुआ पूजन प्रोग्राम, वो भी ससुराल वालों का वहीं से है। तो गाइस कार्ड खा गया, तो गाइस पता नहीं मैंने कार्ड कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे रख दिया है। तो गाइस वो है मतलब जो मैं तो चाची लगती हूँ ऐसे मेरे ससुराल में सबकी, तो मतलब जो कुआ पूजन है उनके लड़का हुआ है, तो दो लड़के मतलब तो उनका अलवर में ही है, तो यहीं पे जाना है, तो ससुराल से आएंगे सभी, वहाँ से पता नहीं कौन कौन आएगा, पर अगर ऐसा हुआ कि लेडीज भी जा सकती है तो शायद मैं जा सकती हूँ, तो आप सबके साथ व्लॉग शेयर करूँगी, ठीक है। तो और तो यहीं पर पास में ही है कुआ पूजन, तो मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, पर पता नहीं कहाँ पे चलेगा, पर बार बार लंगलूड़ी में खड़ा होना बहुत प्रॉब्लम करता है। तो गाइस वीर जी से तो वैसे भी नहीं, थोड़ा सा ऐसा ही गुस्से में, और आज उनकी तबीयत भी ख़राब थी पूरी नाइट में, आज बुखार चढ़ रहा है उनको, और मैं थोड़ा गुस्से में गुस्सा भी हो गई। वैलेंटाइन डे वाले दिन हाँ ऐसा ही होता है, पिछली बार वैलेंटाइन डे पर मैं वीर जी में थोड़ा थोड़ा अन हो गया था ऐसे, और अब की बार भी हो गया, वैलेंटाइन डे ख़राब जाता है। तो गाइस अब उन्होंने खाना नहीं खाया है, तो गाइस मैं खाना बनाती हूँ फिर उनको खाना खिलाती हूँ, मतलब खाना डाल के देती हूँ ताकि वो खा लेंगे, क्योंकि उन्होंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया और काफ़ी टाइम हो गया, 1-2 बज रहे, तो सुबह से उन्होंने कॉफ़ी पिया क्योंकि उनका मन नहीं था कुछ खाने का, तो मैंने बोला भी था कुछ बनाऊँ पर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं कि नहीं मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, तो चलो बना देती हूँ खाना ताकि कि वो खा लेंगे, ठीक है गाइस फिर मिलते हैं थोड़ी देर में बाद में, और तो मैं आपको और भी कुछ बताने वाली हूँ, तो ब्लॉग में बनी रही है एंड तक, तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ, ठीक है बाय बाय। क्या क्लिक आती हूँ फिर बनाएंगे खाना, वीर जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो गाइस, देखो चेहरा उतरा हुआ है इनका क्योंकि इनको बुखार चढ़ गया इस वजह से, और कटिंग भी करा के आ गया, मैंने लड़ दिया था कटिंग पे, तो ये मैंने बोला था ऐसे तो करा के आए नहीं, बोला मैंने तो ऐसे ही बोला था उसको, उसने ऐसे कर दी, मैं क्या करूँ, बाल सही करना इधर से उधर करना इनको, तो गाइस पिछली बार भी ये पहले टेडे पे यही बैठे हुए थे इसी कमरे में और मैं उस कमरे में थी, पर अब की बार तो तबीयत ख़राब है, पिछली बार तो गुस्सा हो गए थे। खाना बना के ले आओ गाइस, मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली और वीर जी से आपको मिला दिया था, वो ऐसे ही हो रहे हैं गुस्से, तो चलो चलते हैं किचन में खाना बना देते हैं उनको, मैंने सबको आपको फैन के दिखाने के लिए ड्रेस पहना था कि मैं आप सबको दिखा दूँ, कितने का है प्राइस भी और कैसे लग रहे हैं, आप सब भी ले सकते हो।